अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। ये मेरे सूजे हुए फेस पे ना जाइएगा, अभी अभी बस मैं उठी थी सोकर, तो क्योंकि आज ज़रा एक फंक्शन पे भी जाना है तो उसके लिए मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। तो ये ड्रेस मेरा, इस पर ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, नेक लाइन इसकी बड़ी प्यारी बनी हुई है, इस पर पूरा एक छोटा छोटा दबके का काम हुआ हुआ है। स्लीव्स पे भी इसकी जो है ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है और ये प्यारी सी एक लेस लगी हुई है और बड़ा प्यारा सा कलर है, ये मरून सा कलर है। इसके साथ गोल्डन सा ट्राउज़र है सिल्क में और जो दुपट्टा है वो भी शिफॉन का है, उस पर भी ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। तो यहाँ मैं लेंस लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन लेंस जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बस कोशिश कोशिश करके लगा लगू ही लिया। तो बस यहाँ मैं ज़रा अपनी लेंस लगा रही थी, लेकिन आप डरिएगा ना बहुत ही, एकदम एक आँख में लगा के ना ज़रा खौफनाक सी एकदम से मैं लगी थी, लेकिन बाहर लग ही गया। और मैंने क्योंकि देर हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ मेकअप स्टार्ट कर दिया है फटाफट वाला। तो बस अभी मैं कॉन्टोर कर रही थी कि फेस भी बहुत बड़ा आता है तो फिर ज़रा थोड़ा सा कम आए। तो ब्रॉन्ज़र मैंने लगा लिया था, ब्लश ऑन की एप्लीकेशन हो रही थी। हस्बैंड रेडी हो चुके हुए हैं, सिर्फ राहिमीन मेरे साथ जा रही है, बाकी दो बच्चे तो नहीं जा रहे, उनका अपना कोई प्लान है, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था तो वो उधर जा रहे हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर वक्त साथ साथ होते हैं, जैसे ही बड़े हो जाते हैं इनके फिर अपने अपने प्लान्स हो जाते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो अब ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि बच्चे अपने कामों में निकल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं, हम लोग या तो घर पर ही होते हैं या फिर अपने किसी जो हमारा है होता है कहीं आना जाना, हम वहाँ चले जाते हैं। तो अभी क्योंकि बेटी मेरी छोटी है तो वो मेरे साथ साथ होती है, तो बस राहिमीन ही मेरे साथ जाएगी और मैं होंगी और उसके बाबा होंगे। तो बस हम लोग यहाँ जल्दी से रेडी हो रहे हैं, मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जल्दी आ जाओ। तो बस मैंने कहा है 5 मिनट, जो कि हर औरत यही कहती है, बस 5 मिनट में तैयार हो के आई, तो बस मैं भी 5 मिनट में ही तैयार हो रही थी। तो यहाँ मैंने बहुत ही लाइट सा आई मेकअप करना था, तो जिस पे मैंने हल्की सी मैंने बस एक ब्लैक सा स्मोकी लुक देना था इसको, लाइट सा बिल्कुल ही, क्योंकि एक तो डे का फंक्शन था और ज़्यादा मेकअप का मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया आज और बस आई पेन से लगाई थी और थोड़ा सा मैंने बस हल्का सा स्मोकी लुक दे दिया था। अच्छा, ऐसा है कि मुझे पर्सनली तौर पर ग्लिटर्स बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्लिटर लाजमी लगाऊं, तो ब्लैक स्मोकी आई पे लाइट सा ग्लिटर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जनाब ये थी मेरी फ़ाइनल लुक और मैंने सोचा चलें आज ये वाला ही ड्रेस पहन लूँ, बड़े अरसे बाद पहना था। तो कुछ मैंने ज्वेलरी जो थी वो इसके साथ ये पहनी थी, ये इयररिंग्स मेरे, कुछ है नहीं, मुझे चाहिए था ठीक है, लाइनर तो एक्चुअली ना अम्मी की है। तो बस मैं यहाँ आई थी, यहाँ इनके पास सारे ब्रांड्स के ड्रेसेस पड़े हुए हैं, मुझे कुछ इनमें से एक लाइमलाइट के भी थे, निशात के भी थे, तो मुझे इसमें से लाइमलाइट का ड्रेस पसंद आया जो कि मैंने बाय कर लिया और बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा सा है। मैं शादी से और मैंने क्या चीज़ें वीज़ें जो हैं रिमूव कर, आते आते ना बंदा थक जाता है ना, तो समझ ही नहीं आती है कि दिल करता बस आराम से लेट जाएं, बिल्कुल दिल नहीं करता कि मेकअप भी रिमूव करें, लेकिन मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली स्किन के लिए, क्योंकि फिर हमारी स्किन पे जितने हम तैयार होते हैं ना, जितना हम एहतियात से मेकअप करते हैं ना, अगर उतनी एहतियात से हम अपना
मेकअप रिमूव भी करें ना तो हमारी स्किन ऐसे एकदम से ग्लो फ्रेश करेगी, ग्लो होगी और फ्रेश होगी, सॉरी करेगी नहीं होगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना मेकअप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिमूव कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बाल बांध देंगे अपने, क्योंकि मेकअप रिमूव करना है तो समझ नहीं आती कि बाल खोल के किस तरह से मेकअप रिमूव होता है या स्किन केयर कैसे हो जाती है, मुझ से बिल्कुल नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं अपने बाल बांधूंगी, उसके बाद आप वाइप्स लें। मेरे पास ये वाइप्स पड़े हुए थे, वैसे जो कॉटन पैड होते हैं वो सबसे वैसे बेस्ट होते हैं, और एक गार्नियर का मेकअप रिमूवर आता है वो बड़ा अच्छा होता है। तो आजकल मेरे पास ज़रा वो ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैं ये वाइप यूज़ करूँगी और आप देखिएगा। रायमीन मेरी बेटी इतने गौर से मुझे देख रही है, इतनी पारो लग रही है। आपने नहीं मेकअप रिमूव करना, मेरी बेटी ने किया ही नहीं था देखने में, हालांकि मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया था। नहीं मेकअप ही नहीं करती। हाँ मेरी बेटी नहीं करती भाई, मैं करती हूँ। सिर्फ लाइट मेकअप करती हूँ, लाइट स्ट्रॉबेरी मेकअप, स्ट्रॉबेरी मेकअप। हालांकि ये देखो, हालांकि बहुत लाइट मेकअप आज मैंने किया था, इतना ज्यादा नहीं किया था। ये चेक करें कितना गंदा। तो जरूरी है अच्छी तरह से पहले अपने फेस को ना आप किसी वाइप से, बेस्ट वही होता है वैसे, मुझे तो वही अच्छा लगता है। आज क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैंने वाइप्स यूज किए हैं, लेके आऊंगी मैं। मेरा फिनिश हुआ हुआ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि एक तो घर में सूफियत बड़ी थी जैसा कि आपको पता ही है, व्लॉग्स में आपने देखा होगा। और लेकिन ये है कि इससे भी अच्छे से जो है ना रिमूव हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है मेकअप रिमूवर तो आप वाइप यूज़ कीजिए, क्योंकि वाइप से भी अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो हमने मेकअप उतार दिया, उसके बाद मैंने अपने क्लीन करूँगी फेस पे, क्लींजर लगाऊंगी। जो फेस पे लगाएं तो कोशिश करें कि नेक को बिल्कुल इग्नोर मत करें, नेक पे भी इवन हैंड्स पे भी वही अप्लाई करें। अच्छे से इसको मसाज करें। तो इसके बाद मेरे पास जेन फार्म का ये क्लींजर है, मॉइस्चराइजर है सॉरी। तो स्किन जैसे कि मेरी नीट हो चुकी है तो मैं इसको ये अप्लाई करूँगी। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है स्किन मेरी पूरा। अब इस टाइम मेरे फेस पे आप कुछ भी नहीं लगाओ, मेकअप सब रिमूव कर दिया मैंने और बिल्कुल नीट हो गई है स्किन अब। तो हम लोगों ने, बल्कि मैंने नहीं, राहिमीन ने ऑर्डर किया था दराज से कुछ चीज़ें, तो आए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आज ही वो आई हैं तो चलें आए मिलकर देखते हैं क्या है। तो एक ये मैंने मंगवाया था। अच्छा ये हमने वैसे खोल के देख लिया था राहिमीन, है ना? नहीं नहीं ओपन किया था। नहीं ये नहीं ओपन किया, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको ओपन करते हैं। मैं करूं। लेकिन ये और एक ये भी था, है ना? ये बस खोला है, ये हमने ओपन करके देख लिया था। थोड़ा ये आजकल जो स्टिकर नेल्स ये राहिमीन ने ऑर्डर किए थे और ये आए हैं। और इसके लिए मैंने यूवी लाइट छोटी सी मंगवाई है। राहिमीन को एक्चुअली पता ही नहीं चला, इसने बड़ी जल्दी जल्दी में आके ऑर्डर कर दिया,
और इतनी क्यूट सी यूवी लाइट आई है, ओह माय गॉड कितनी प्यारी है राही। ग्रीन कलर की है, आपको शायद ही ब्लू कलर की लग रही है, इधर आपको ये ब्लू कलर की लग रही है बट ये ग्रीन कलर की है, ठीक है। ये आपको देखें इसके अंदर, ये देखें चार्जर हाँ इन्होंने डाला हुआ है, हाँ दिखाओ जरा। और इन्होंने वैसे अच्छी भेजी है, छोटी मुन्नी सी प्यारी सी। इस पे टू फिंगर्स आ जाती हैं, देखें यहाँ ऑन का बटन है। इतना करीब क्यों जा रही हो? यहाँ ऑन का बटन है, इधर अंदर, यहाँ ये देखें आवाज़ आई। और ये पूरी आपको ब्लू लग रही है बट ये आई थिंक आपको ब्लू लग रही है बट ये ग्रीन है। इतना प्यारा है, छोटा सा उसके अंदर लाइट है, ऐसे ऐसे ताकि नजर तो अंदर लाइट है अंदर, देखें इसमें टू फिंगर्स चली जाती हैं। हाँ, और जब ये राहिमी अप्लाई करेगी ना अपने नेल्स, ये स्टिकर नेल्स, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये तो आपके साइज के नेल्स ही नहीं है, ये तो बड़े साइज के नेल्स नहीं है। नहीं मेरे साइज के, मैं अपने साइज के मुताबिक मंगवाया। अच्छा चलो, जब ये राहिमी अप्लाई करेगी ना तो फिर राहिमी दिखाएगी आप लोगों की उसने कैसे अप्लाई किया, ठीक है ना। और क्योंकि कल है मेरी अम्मी की बर्थडे भी है तो मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। काफ़ी प्यारा लग रहा था एक्चुअली, उनको डार्क कलर्स बहुत पसंद है तो मैंने इसलिए उनके लिए डार्क कलर ही लिया, और वैसे हमें भी अच्छा लगता है कि वो डार्क कलर्स ही पहने, तो मैंने उनके लिए ये वाला सूट लिया है। आपको दिखाती हूँ ये कैसा है, बहुत प्यारा है। जो ट्राउज़र है वो प्लेन है, और जो इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, और इसकी शर्ट भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इस पर पूरा ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है शर्ट पे, इसका गला है और ये सारा इसका इसको पैक कर दूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, न्यू किसी रूटीन के साथ। कल क्या हुआ क्या किया इसके साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।